वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आज हम 2015 यानी मैथ का एग्जाम जो 2015 में हुआ था उसका प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों और 2016 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों यानी चार पाली का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक पाली में 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस टाइम में पूछा जाता था, इसलिए 40 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। सबसे पहले ये 1/α + 1/β का मान निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट। तो यहाँ एक्स के पीछे देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो वन है, तो -(1/a). ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो -(1/1) क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। तो क्या हो जाएगा, -2/a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो क्या है, एक है, तो -2/1 क्या निकला, -2। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकला, -1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकला, -2 निकला। अब निकालेंगे 1/α + 1/β। तो देखिए 1/α + 1/β, तो एलसीएम लीजिएगा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा प्लस अल्फा आएगा, उल्टा आएगा, लेकिन उसको सीधा करके आप लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा आया तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, -1/α × β का वैल्यू क्या निकाले हैं, -2। तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया, 1/2। यानी 1/α + 1/β का वैल्यू क्या निकला, 1/2। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस पाँच के शून्यक ए और बी हो तो ए इंटू बी का मान, यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हम अभी बताएं, c/a। तो ए इंटू बी ये भी क्या है, मूलों का शून्यक का गुणनफल है ये, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है भाई, 5 है, और ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, एक है, तो 5/1 = 5। तो इसका ए इंटू बी यानी ए गुना बी का वैल्यू कितना निकला, 5 निकला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कितना भी छोटा क्यों ना हो, दो परिमेय संख्या अगर दिया हुआ है उसके बीच अगर परिमेय संख्या निकालना है तो कितना निकलेगा, अनंत निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता मान, माध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी आंकड़ा का जो बहुलक होता है वो क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है, इसका मतलब क्या हो गया, अधिकतम बारंबारता मान ही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले आपको चित्र से समझाते हैं, यहां नहीं नीचे में बनाते हैं, यहां पे, हाँ ये क्या हो गया अपना सर्किल हो गया। अब इसमें एक क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो यहां से उठाए, अब देखिए ये, हाँ ये बन गया समांतर चतुर्भुज। अब इसका कह रहा है कि सभी भुजाएं जो होता है समांतर चतुर्भुज वो वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो सभी बिंदुएं स्पर्श कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे चारों कोना जो है वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो ये आपको जो देख रहे हैं चित्र में के अंदर, ये कैसा बन रहा है, वर्ग जैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, वर्ग जैसा। तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चित्र बना के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। छह नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है तो कुछ नहीं करना, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और उसका रूट कर देना, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ के रूट कर देंगे, तो 9 × 4 कितना हो गया, 13। रूट 13 क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जो बिंदु दिया हुआ 2-3 इसकी दूरी हो जाएगी कितना, √13। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उस टाइम बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन अब इससे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यू है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ आयतन दिया हुआ है, तो आयतन से हम क्या निकाल लेंगे, अर्धगोले का त्रिज्या। गोला का त्रिज्या सॉरी आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ होता है गोला का। तो 4/3πr³ ये किसका हो गया, गोला का, लेकिन यहाँ है क्या अर्धगोला, इसमें 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 4 काटेंगे तो 2/3πr³ आ जाएगा अर्धगोला का आयतन बराबर। तो 2/3πr³ बराबर कितना दिया हुआ आयतन, 19,404 दिया हुआ। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे पाई का 22/7 आर क्यू बराबर हो जाएगा 19,404, इसको काटेंगे 11 से 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे एक मरतबे 11, यहाँ कितना बच गया 8 बच गया, तो कितना हो जाएगा 11 7 77 77, फिर कितना बच गया 77 3 80 4, तो कितना बच गया 7 बच गया, फिर 11 6 66, तो बचा कितना 4/11 44। अभी देखिए 2 2 4, 4 से इसको काट दे 4 6 16, फिर बचा 1 1 और 6, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 6 16 4 4, तो कट गया, तो कितना बचा 441। यहाँ नीचे में कितना 21 है, तो आर क्यू बटे 21 बराबर कितना हो जाएगा 441। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 441 गुना 21 आ जाएगा, और 441 को हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यू बराबर 21 गुना 21 गुना 21 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर बराबर क्या आ जाएगा, 1 निकल जाएगा इसमें से, तो 21 आ गया मेरा क्या त्रिज्या आ गया। आर बराबर जब हमको मालूम हो गया 21, तो अब निकल जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। तो 3 × 22/7 × 21 × 21, तो 7 से काटेंगे 7 3 21, अब गुना कीजिएगा, देखिए 3 3 9 9 2 18, तो 8 आया, 8 को लास्ट में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही आएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 8 है लास्ट में, और सब में इसमें 2 6 6 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4158। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1 2 0, इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित घटना कोई भी है तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 होगा। अनिश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 0 होगा। ठीक है, और प्रायिकता कितना कितना के बीच होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या इस दोनों के बीच में होगा, ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 10² का मान होगा, तो sec²θ - 10² थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1, तो 10² को उस साइड ले जाएंगे, तो sec²θ बराबर क्या हो जाएगा 1 + 10²θ। तो यही सूत्र दे दिया कि 1 + 10² बराबर क्या हो जाएगा sec²θ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान होगा, तो आपको पता होगा अगर 10 कितना 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ देखिए π/6 है, तो इसको काटेंगे पाई का वैल्यू कितना होता है 180/6, इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा, इसका मतलब यही 10 30 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10π/6। तो ये 2015 का था, प्रथम पाली का 10 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लिए, अब द्वितीय पाली पे चलेंगे। ये 2015 द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि द्विघात समीकरण cx²-bx+a=0 के विवेचक शून्य है तो बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए समीकरण ax²+bx+c=0 है, और इसका जो विवेचक का मान 0 होता है तब शून्य क्या होता है -b/2a होता, क्या होता है -b/2a होता। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ क्या है a है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है c है, और यहाँ bx है तो, लेकिन x के पीछे यहाँ क्या माइनस में है, तो ये बदल देंगे बस। तो b की जगह यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ -b, तो -(-b) रख देंगे (2) देंगे, और a की जगह यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ c, तो बस c रिप्लेस कर देंगे, तो -(-) क्या हो गया +b/2c आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बीटा का मान। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि a²p²x²-q=0, तो मूल होंगे तो x का वैल्यू निकालना है, तो q को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा a²p²x²-q
क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर पी स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, सेट गुना में है सेट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ से सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपको क्यू बटा ए पी बच जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा क्यू बटा ए पी आ जाएगा, किस प्लस माइनस सॉरी रूट से निकलेगा, रूट डालेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा। सबसे पहले अर्धवृत्त बना लेते हैं, अर्धवृत्त बन गया, ये अर्धवृत्त हो गया। देखिए सबसे पहले वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर, लेकिन पाई आर का वैल्यू तो यहाँ से यहाँ ही आएगा ना, लेकिन ये बच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ मान लेते केंद्र है तो यहाँ से आर तो 2r हो जाएगा, तो क्या हो गया पाई आर प्लस 2r हो जाएगा क्या अर्धवृत्त का परिधि। तो अब इसका वैल्यू लिख दे, पाई का क्या होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ व्यास दिया हुआ 14, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 7, तो 22/7 गुना 7 प्लस 2 गुना 7, तो इसको काटेंगे 7 से 7 कट गया 22 + 7 = 14, इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको अर्धवृत्त का परिमाप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर है, किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा, तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। इसमें काफी कंफ्यूजन है तो आप इसे याद रखिए, माध्यक में देखिए कितना अक्षर है 3 अक्षर है और माध्य में 2 अक्षर है, ये आधा को आप छोड़ दीजिए उसको माइंड मत कीजिए, उसको एक ही काउंट कीजिए ठीक है। माँ का हो गया 1 अक्षर और ध्य हो गया 1 अक्षर, 2 अक्षर हो गया, उसी तरह माध्यक में कितना हो गया 3 अक्षर, तो जिसमें 3 है उसमें 3 से गुना करना है और जिसमें 2 है उसमें 2 से गुना करना है, तो 3 में से 2 घटा देना, इसे ध्यान में रखिए, बड़ा में से छोटा घटा देना, तो ये फार्मूला निकालने गया। अब गुना करेंगे तो 3 गुना 27.9 - 2 गुना 26.8 गुना करके आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 30.1 आ जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांच नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी खींच, सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, इसके बाह्य बिंदु से खींचना है आपको, यहां से एक बिंदु से एक खींच लीजिए और एक यहां से खींच लीजिए ठीक है। ये दोनों जो स्पर्श रेखा होता है इसकी लंबाई हमेशा बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है, अगर पी ए की लंबाई 6 है तो पी बी की भी लंबाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर, काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु पी और बिंदु क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2 होता है, तो यहाँ देखिए x2 क्या है -6 + यहाँ माइनस क्या हो जाएगा -2/2 -4 + 8/2, तो इसको कीजिए -6 - 2 कितना हो गया -8/2 - 4 + 8 तो कितना हो जाएगा 4/2, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा -4/2 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु का, तो किसमें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा -4/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि 2 वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए परिधि का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2:3 इसका हो जाएगा, लेकिन अगर आपको दिया होता कि मान लेते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तब इसका रूट करके निकालना होगा, तब 2:3 हो जाता है उसकी त्रिज्या का अनुपात, लेकिन परिधि अगर दिया रहेगा अनुपात तो त्रिज्या का अनुपात वही होगा सेम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, अभी जस्ट आपको बताया असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होती है 0 होती है और संभव जो है निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसके ऊपर में क्या है 1, ये पलटेगा तो आ जाएगा √2 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/sin 45। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये शिफ्ट खत्म हो गया, अब 2016 के प्रथम पाली पे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, ये रैखिक समीकरण का घात क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 पाई बाय 2 का मान, तो देखिए 10 हो गया पाई का मान कितना बोले 180/2, तो क्या हो जाएगा 10/90। तो 10/90 को आपको पता ही होगा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में। देखिए 4 चतुर्थांश होता है, प्रथम ये हो गया प्रथम, द्वितीय ये हो जाएगा तृतीय, ये हो जाएगा चतुर्थ। इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, कैसे, यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट इधर भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है, तो ये क्या हो गया प्लस प्लस। अब इधर देखिएगा तो यहाँ क्या होता है, x क्या हो जाता है इस साइड माइनस हो जाता है, तो x का कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, लेकिन y तो ऊपर ही है तो y क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद तृतीय पाद में आइएगा तो ये माइनस हो गया x कोऑर्डिनेट, तो ये तो माइनस होगा और y भी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का, तो अब चतुर्थ पाद में देखिएगा तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ x का तो प्लस हो गया लेकिन y क्या है नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस में हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया प्लस माइनस। यहाँ देखिए बिंदु क्या दिया हुआ, 4 के पीछे कुछ नहीं, तो यहाँ क्या लगा हुआ प्लस लगा हुआ, और 3 के पीछे क्या माइनस, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, यहाँ देखिए चतुर्थ में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कि -4, -3 किस चतुर्थांश में है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 90, 180, 360, 270। तो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनता है हमेशा कितना 360 डिग्री बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। 5 नंबर क्वेश्चन है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा, तो बहुलक कौन होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जो सबसे अधिक बार आया। तो यहाँ देखने से आपको लगेगा 5 सबसे अधिक बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 कितने बार आया है 4 बार, तो इसका मतलब सबसे अधिक बहुलता किसका हो जाएगा 5 का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बन गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी का और ए सी का मध्य बिंदु डी है, तो डी हो गया यहाँ, यहाँ हो गया ई, तो ये मध्य बिंदु हो गया डी। उसके बाद डी ई पैरेलल है बी सी की, अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तब बी सी का जो लंबाई होता है वो क्या होता है, डी ई का लंबाई बी सी का आधा होता है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये अगर 12 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो बी सी का वैल्यू, तो डी ई का पूछ रहा है तो डी का क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए एक होता है हेड होता है, एक टेल होता है। एक सिक्का को उछालिएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कुल घटना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एच आने का कितना हो जाएगा प्रायिकता 1 हो जाएगा। अगर टेल आने का भी पूछेगा, सिर्फ एक सिक्का उछालेगा तो उसका भी प्रायिकता 1/2 होगा, और टी आने का और एच आने का भी प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/2 ही प्रायिकता आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि एपी 4, 10, 16, 12, 28 का सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि कोई भी टर्म उठाएंगे और उससे पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, मान लीजिए 16 उठाए तो 16 के पीछे जो है उसको उसमें से घटा देंगे, तो 16 में से 10 गया कितना बचा 6 बचा। 28 मान लीजिए आपको 28 लेंगे सर, तो लीजिए तो 28 माइनस में उससे पीछे क्या 22, तो 28 में से 22 घटा देंगे तो 6 आएगा। किसी भी टर्म, कोई भी टर्म उठाइए, प्रथम पद को छोड़ के द्वितीय उठाइए, तृतीय कोई भी उठाइए और उससे पहले वाले को उसमें से घटा दीजिए, वही क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर निकलेगा, तो 6 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है एवं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो क्या करना है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया 16:81। मान लीजिए अगर क्षेत्रफल का अनुपात ही 4:9 दिया होता और संगत भुजाओं का अनुपात पूछता, तो कुछ नहीं करना, उसमें क्या कर देना फिर रूट कर देना, तब क्या हो जाता 2:3 हो जाता। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 16:81। ऑप्शन नंबर बी यही 16/81 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/√3 बराबर है, तो सबसे पहले 1/√3 किसका होता है, 10^30 का मान होता है। इससे पहले भी डिस्कस की किसका वैल्यू होता है 1/√3, 10^30 का। कहाँ है 10^30, ऑप्शन नंबर डी में है 10^30, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10^30। ये शिफ्ट का प्रथम पाली का 2016 का क्वेश्चन डिस्कस हो गया पूरा। अब चलते हैं 2016 द्वितीय पाली पे। ये आ गया 2016 द्वितीय पाली। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 2-3 एवं -2-3 के बीच की दूरी होगी। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। ठीक है, तो x2 का वैल्यू देखिए क्या है, -2, तो -2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो -2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 3, और y1 का भी वैल्यू 3 है, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया टर्म, बच क्या गया, -2 - 2 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसका रूट तो निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 × 16 का रूट हो जाएगा, तो 16 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद x2 - x + 4 की शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें आपको हम क्या बताएं, -b/a, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ x का कोफिशियंट क्या है, -1, तो -(-1)a क्या है, x2 का कोफिशियंट, तो x के पीछे क्या है, 1, तो -- क्या हो गया, +1/1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है, तो उनके अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात हम थोड़ा देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करना है, उसका रूट अंडर कर देना, तो 4:9 है, इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:3 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2:3। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं, परिधि का अनुपात दिया रहता और त्रिज्या का पूछता, तो जो परिधि का अनुपात हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, का भी अनुपात हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec²θ - 1 का मान होगा, तो अभी आपको इसको हम सॉल्व करके हम बताएं, तो फिर भी बता दें, sec²θ - tan²θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब क्या करना है, 10 को उधर भेजना, 1 को इधर लाना, तो sec²θ - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10²θ, तो sec²θ - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10²θ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10²θ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि L समांतर M हो तो D का मान निकालना, ये और ये दिया हुआ, और इस दोनों कोण का योग हमेशा क्या होता है, 180° होता है, तो 3D + 50 + 2D + 20 बराबर क्या हो जाएगा, 180° हो जाएगा। 3D + 2D क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, प्लस 50 + 20 कितना हो गया, 70 बराबर क्या हो जाएगा, 180°। अब 70 को उस साइड भेजेंगे तो 5D बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 70, इसको घटाएगा तो 110 आएगा, तो 5D बराबर अगर 110 हो गया, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 110/5, तो काटेंगे तो 5 × 10 = 22° आया, किसका वैल्यू, D का वैल्यू, तो 22° किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22°। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि E कोई घटना हो तो PE + PE′ का मान होगा, तो PE + PE′ का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B इसका राइट आंसर हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि 3, 4, 7, 2, 7 का बहुलक होगा, तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, तो 7 को चेक कीजिएगा, तो 1, 2, 3 बार 7 आया है, 3 एक बार आया, 4 भी 1 बार, 2 भी 1 बार, 9 भी 1 बार, तो सबसे अधिक बार जो आएगा वही बहुलक होगा, तो सबसे अधिक बार 7 आया तो 7 इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम पद दिया हुआ 2, सार्वंतर 3 दिया हुआ, तो एपी का 3 पद होगा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2, सार्वंतर 3 दिया हुआ, 3 जोड़ते जाएंगे, तो 2 हो गया, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin π/4, तो सबसे पहले 180/4 कीजिएगा, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 45°, इसका मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है, sin 45° - cos 45°, आपको पता होगा
साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता, बराबर होता है 1/√3। तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 - 1/√2 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कोई थीटा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम किसका किसका डिस्कस किया, 2015-2016 का डिस्कस कर लिए, अब 17 आएगा मैथ का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम अपना 100% डाल रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए। आप ही लोग पे सब टिका हुआ, इतना मेहनत करते फिर भी व्यूज नहीं आता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।